अब इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो सूर्य नमस्कार 5 मिनट रोज कर ले। कितना इजी है, इससे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी हाई होती। देखो, लंबा श्वास लिया, हाथों में उठाया, पीछे लेकर के गए, श्वास अंदर हाथ पीछे, श्वास बाहर आगे झुक गए, फिर दाएं पैर पर बैठ गए, बाएं पैर पीछे सीधा। पहले धीरे धीरे करें, रिदम के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होकर के। ऐसे ये अभ्यास पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से बढ़ाएं। व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये 5 मिनट सूर्य नमस्कार, जो जवान हैं उनके लिए हम बोलते हैं 5 बार से शुरू करके 25 बार, और 25-25 के फिर ऐसे 5 राउंड कर लो, 100 बार, 125 बार आपका यह हो जाएगा। ऐसे जो जवान बेटे बेटी हैं उनको ये 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे, अथवा इस प्रकार से, इसको हमारे यहाँ पर परंपरागत व्यायाम का ऐसे अभ्यास करने चाहिए अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बच्चों को ये शीर्षासन, बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन करवाइए। स्वामी जी, एक सवाल है फेसबुक पर आ रहा है, शीर्षासन करना चाहिए। फेसबुक पर हजारों लोग आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं, लेकिन एक देवाशीष आचार्य साहब हैं स्वामी जी, लाखों जी, एक देवाशीष आचार्य साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो बहुत दिनों से मंडूकासन और भुजंगासन, इसके अलावा प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह? देखो, एक बात तो हो सकती है कि फायदा कम ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी पिए और प्यास ना और बुझे। प्यास ना बुझे, बहुत उम्दा। खाना खाए और भूख ना मिटे, कोई साइनाइड खा ले और बोले मैं मरा ही नहीं। देखो अब जरा, स्वामी जी, कई बार होता है कि आसन के दौरान जी बोले ये तो कड़वा ही नहीं लगा। मैं कही थी स्वामी जी कि कई बार ऐसा होता है कि आसन के दौरान कड़वा नहीं लगा, गुड़ खाए मीठा नहीं लगा। सही तरीके से आसन ना करने से भी फायदा नहीं मिल पाता है। आप कह लो जी जी कि सही तरीके से आसन ना करने की वजह से भी फायदा पूरा नहीं मिल पाता है, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए आसन करते वक्त? देखो, इसमें क्या होता है मीनाक्षी जी, देखो एक बात तो यह है कि आसन तरीके से करने चाहिए, पूरा समय देना चाहिए, जिसे हमने कहा 1-5 मिनट। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह होती है कि बीमारी कितनी पुरानी है। अब आपका यदि 90% या 99% पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है, तो थोड़ा तो रिकवर होने में वक्त भी तो लगेगा। आपका सिस्टम जो खराब हुआ उसको खराब होने में लगे 30-40-50 वर्ष, तो उसको रिकवर होने में 1-3 महीने का वक्त लग सकता है। मैं कहता हूं पहले ही दिन से फायदा होगा। जैसे आप ऐसे श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन लेवल एक श्वास लेने से बढ़ जाएगा। एक श्वास आपने लिया तो 5,000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का आपने इंटेक किया है, तो बेनिफिट हो गया ना आपको, आपका लंग अच्छा होगा। अब आपका लंग जो है वो डैमेज हुआ है, आपका किसी का 25, किसी का 50, किसी का 75% लंग जो है वो डैमेज हो रखा है। अब उसको रिकवर होने में, रिवाइवल में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो लंबे लंबे श्वास लेते रहे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रिकवर हो जाएगी। इसी से जुड़ा एक सवाल, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है इसमें भिन्नता हो सकती है। तो इसलिए देवाशीष जी से लेकर के सबको मैं कहना चाहूंगा, लाभ की मात्रा आपको कितनी हो रही है वो आप
कितना जल्दी उसको एक्सपीरियंस अनुभव कर पा रहे हैं। हम तो मशीनों के साथ योगाभ्यास करते हैं।